ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पर कि पूरा पानी जमा है और एक फीट का गड्ढा आगे में है, जहाँ पर कुछ देर पहले एक महिला जो कि गाड़ी के अंदर में थी, ई रिक्शे के अंदर में थी, वो महिला गिरी थी गाड़ी के अंदर से। अब हमारा सवाल यह है कि ऐसा कैसा विकास पिछले 15 साल में गडकरी जी के द्वारा हुआ है या नागपुर के अंदर में भारत बीजेपी के द्वारा हुआ है। बीजेपी जो कि आज भारतीय जल भराव पार्टी बन के उभरी है, आप देख सकते हैं हमने आज यहाँ बैनर लगाया है भारतीय जल भराव पार्टी। विकास सरोवर का लोकार्पण आज हमने किया है। साथ ही साथ में हमारा ये सवाल है कि ये कैसा विकास है शहर के अंदर में कि जो कि विकास दिखता नहीं है, कि शहर के एक सबसे बड़े अस्पताल को जाने के लिए रास्ते की स्थिति ऐसी है और नागपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए रास्ते की स्थिति ऐसी है। तो आज नितिन गडकरी जी द्वारा, हमारे आदरणीय गडकरी जी, इनके द्वारा आज यह लोकार्पण हुआ है। इनके हाथों से इन्होंने रिबिन काट कर इस सरोवर का उद्घाटन किया है और भक्तों से ये विनंती की है कि सभी भक्त लोग इस सरोवर में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति जरूर करें।